सुनील जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये जी कि बच्चा है गांव मुआना से, इसके साथ 7/6/2020 को इसके साथ एक कुकर्म की इन्होंने एक अप्लीकेशन दी थी लिख के, और वो इसके साथ घटना घटी थी। उसकी एक MLR हुई थी यहाँ से किंडो सिविल हॉस्पिटल से, और उन्होंने एडवाइज के लिए भेज दिया था सर्जन के पास। तो उसके बाद कई दिन तक ये पुलिस प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरे पास ये 11 तारीख को आए थे, तो 11 तारीख को मैं साथ में जींद गया था मेडिकल करवाने के लिए, और मेडिकल में ये पुष्टि भी हुई थी कि इसके साथ बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। और साथ में जो इस केस के IO हैं छत्रपाल जी, वो साथ में गए हुए थे। जाने के बाद जब ये पुष्टि हो चुकी थी, उन बच्चों को ले आया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन रात को उनको छोड़ दिया गया। जब इसके अंदर इतनी धाराएं, गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, पोस्को एक्ट लगा हुआ है, तो छोड़ने का प्रावधान ही नहीं है। और आज आपके सामने 17 तारीख हो चुके, 10 दिन बीत चुके हैं इस मामले को। आप सभी ये सोच के देखें, उम्मीद करें कि हमारे बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक जो दोषी हैं वो बाहर हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए मैंने आज अभी SP साहब से बात हुई है। SP साहब ने कहा है कि आज इनके खिलाफ हम जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जब मैं ये कहता हूँ कि 10 दिन इस चीज़ को बीत चुके हैं, बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी है, तो बड़ी निंदनीय है। ये पीड़ित व्यक्ति परिवार सारे के सारे, ये 100-100 व्यक्ति आते हैं, अपना काम धंधा छोड़ते हैं, गरीब आदमी हैं, तो इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, वो अधिकार सरकार ने संविधान के तौर में सभी व्यक्तियों को दे रखे हैं। तो पुलिस प्रशासन की इस केस को देखते हुए हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन गंभीरता से इस कार्य को नहीं कर रहा है, विशेषकर सफीदों सदर थाना। तो जो इनके खिलाफ मैं लिखित में एक बार, हमारे पास मिनिस्ट्री है तो हम इसके लिए लिखित में एक बार आज हम ऊपर भेजेंगे इस थाने के लिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या मांग है परिजनों की? परिजनों की मांग यही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10 दिन बीत चुके हैं, तो 10 दिन बीतने के बाद भी अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पुलिस का लचीलापन दिखाई दे रहा है कि क्यों नहीं हो पा रही है ये बात। आपने कहा कि आपके पास जो मिनिस्ट्री है आपकी पार्टी की, भारत सरकार में अभी गठबंधन में है, सरकार में है, तो ऐसे में आप पुलिस की जो कार्यशैली को लेकर क्या कुछ लिखने वाले हैं, और खासकर सदर थाने को लेकर आपने टारगेट किया है? नहीं, ये क्या है कि सरकार इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं। सरकार हमेशा ये चाहती है कि प्रत्येक को न्याय मिले। और हमारी पार्टी का क्या रहा है कि शुरू से हम लोग सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस बने या BJP बने, हमारा गठबंधन रहता है, हम सभी सत्ता में रहते हैं। सत्ता में रहने का मतलब ये होता है कि लोगों का काम करना। और हमारे जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं रामदास अठावले जी, उनके पास सभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस उनके पास है, तो उनके माध्यम से हम इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। और थाने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे सामने की बात है, 10 दिन इस बात को बीत चुके हैं, 10 दिन में भी जब दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तक तो थाने को हम टारगेट कह लीजिए या उसको चिन्हित कर लीजिए, तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो 10 दिन से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक दिन हो सकता है कि बीच में मेरी बात हुई थी SHO साहब से कि वो ये कह रहे थे कि एक नारा का एक मामला आ गया था, मानते हैं अभी एक दिन एक ऐसी गंभीर कोई समस्या आ सकती है, कोई काम हो सकता है, लेकिन 10 दिन नहीं बीत सकते। आपके बिना डॉक्टरी नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह ये मानी जा सकती है कि सबसे पहले तो कि ये व्यक्ति जो है ये अनपढ़ता सबसे बड़ा श्राप बना हुआ है इसके अंदर अनपढ़ता। दूसरा ये कि इनके साथ जो लगने वाले थे वो भी ऐसे ही थे, इनको पता नहीं था। यहाँ पे जो डॉक्टर करता है तो उन्होंने एडवाइज टू लिख दिया था सर्जन, सर्जन यहाँ पे हमारे पास नहीं है सबके, तो एडवाइज टू सर्जन करने के बाद पुलिस इनको लेकर नहीं गई। क्या लगता है इसके पीछे कोई मनसा, मामले को ठंडा करना था, या पंचायती तौर पे निपटवाने की कोशिश थी, या दबाने की कोशिश थी? इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। कई बार कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर पुलिस लेट करती है, लेट करने का मतलब ये होता है कि भई ये भाईचारे में निपट जाए, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसमें 302 का हो गया, पोस्को एक्ट हो गया, 376 का हो गया, ये मामले ऐसे होते हैं, एट्रोसिटी एक्ट का हो गया, कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो इनके अंदर आप लापरवाही कहेंगे पुलिस प्रशासन की, ना कि आप ये कहेंगे कि भी किसी और वजह से लेट हो, ये लापरवाही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते कि इन लोगों को न्याय मिले। आरोपियों को बताया जा रहा है पुलिस दिन में बुलाती है, रात को छोड़ देती है, ऐसा भी कोई मामला आ रहा था? हाँ बिल्कुल, जिस दिन ये मेडिकल हुआ था वो छत्रपाल जी हमारे साथ थे, उनको शाम को ही बुला लिया गया था चारों लड़कों को। जब चारों लड़कों को बुला लिया, और जब वहाँ पे जो सर्जन थे उन्होंने लिख रखा था मेरे सामने, भी मेरे पास कॉपी है उसकी, कि उनको ब्लीडिंग है, ये चीज़ें बच्चे के लिए लिखी हुई थी, तो उनको उसी वक्त कोर्ट के सामने पेश कर देना चाहिए था। माननीय कोर्ट उनको चाहती उनको बेल मिल जाए या वो अंदर रहे, कोर्ट में चले जाता मामला, तो ये व्यक्ति तो परेशान ना होते। इनके साथ ये घटना तो घट चुकी है, कम से कम इनको इस चीज़ की सांत्वना तो होती कि पुलिस प्रशासन ने इनको न्याय दिया है और ये अपना कार्य करते। आज भी ये 20 आदमी अभी आए हुए हैं,
सुबह से ये डीएसपी ऑफिस में बैठे हुए थे 9 बजे से। कल ये जींद भी गए हुए हैं, कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ अगर गलत हुआ है, अगर गलत करने वाला मेरा भाई ही है या मेरा जानकार है, तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे और जो संवैधानिक तरीके से जो जो उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से डिजिटल दुनिया बनाने की सोच रही है, डिजिटल भारत की तरफ जब बढ़ रही है, और ऐसे में अधिकारी छोटे छोटे मामलों को लेकर रोड़ा अटकाते हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, देखना यही है, सरकार की जो कोई भी सरकार है, अगर कांग्रेस थी या बीजेपी की हम बात करें, सरकार सभी सही होती हैं और लोगों के वोट बैंक से वो बनी हुई है। डिजिटल इंडिया की बात कर लेते हैं, लेकिन वहीं सरकार में कुछ कर्मचारी होते हैं ऐसे जो लोग पूरी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे एसपी साहब की करें बड़े अच्छे हैं, डीसी साहब की करें बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं, युवा हैं वो कानून को पढ़ा लिखा है उन्होंने, सारी चीज़ों को उसकी बात करते हैं, लेकिन कुछ एक नीचे कर्मचारी ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से सभी बदनाम होते हैं। सुनील गहलोत कब तक इनके साथ खड़े हैं अगर इनको न्याय दिलाने के लिए? इनके साथ नहीं, गरीब शोषित और पीड़ित व्यक्ति कोई भी कहीं से भी हो। अब हमारे पास मेरी एक पार्टी की मुहिम है, कोई सताए हमें बताए, उसके माध्यम से कई बार पंजाबी में, उर्दू में, गुजराती में आती है, वो हमें पढ़ने भी नहीं आती, उसके लिए हम ट्रांसलेशन करके पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं का भी हल हम करते हैं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, चाहे ये है या कोई और है, उसके लिए दिन और रात मैं घटना को आज 10 दिन हो गए हूँ और आज तक आपको कोई न्याय नहीं मिला, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी बाहर घूम रहे हैं, आप किस किस से मिले हो? जी हम डीएसपी के पास भी गए जींद गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, हमने वहाँ दरख्वास्त लगाई है, डीएसपी साहब वहाँ नहीं मिले हमको, और दरख्वास्त दे के हम वापिस आ गए, उन्होंने बोला कि जो आएंगे डीएसपी साहब तो कानून कार्रवाई करेंगे, फिर कुछ भी कानून कार्रवाई नहीं हो रही है जी, जिन्होंने जुर्म कराया मैं गांव में या घूमते रहे मैं जी 7 दिन कर दिया मैं, उनकी कोई कानून कार्रवाई नहीं चल रही थी फिलहाल। पुलिस कहते कि हम काम कर रहे हैं, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? नहीं जी। अब क्या चाहते हो? हमें न्याय चाहे जी, मेरे बच्चे के साथ न्याय हो। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।